नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। सिविल लाइंस इलाके के चक्कर की मिलक क्षेत्र में एक हैवान पति की हैवानियत सामने आई है, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी पर मामूली विवाद में जानलेवा हमला कर दिया गया। आक्रोशित पति ने पत्नी पर चाकू से कई वार किए, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टर द्वारा गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। मामले की रिपोर्ट थाना सिविल लाइंस में दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज जिला अस्पताल की ओपीडी में बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों की समस्या तब और बढ़ गई, जब पर्चा बनवाने के काउंटर पर सुबह 11 बजे कनेक्टिविटी ठप होने से काम बंद हो गया। उस समय जिला अस्पताल की ओपीडी में पर्चा बनवाने के काउंटर पर सैकड़ों मरीज पर्चा बनवाने के लिए अपना नंबर आने के इंतजार में काफी समय से लाइन में खड़े थे। अचानक पर्चा बनना बंद होने से बीमारी के साथ ही गर्मी की परेशानी झेल रहे मरीजों की आफत बढ़ गई। दोपहर 12 बजे के बाद पर्चा बनाने का कार्य दोबारा शुरू हो सका। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत मंडल चिकित्सालय मुरादाबाद में नव स्थापित 250 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण विजुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर एस टी हसन, मेयर श्री विनोद अग्रवाल तथा विधायक श्री रितेश गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन श्री अजय नंदन, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद के निर्देशन में किया गया। समारोह में डॉक्टर जगदीश चंद्रा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अपर मंडल रेल प्रबंधक, अन्य अधिकारीगण, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ सहित भारी संख्या में सामान्य जनता भी सम्मिलित हुई। वहीं DRM अजय नंदन ने बताया कि रेलवे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता से मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। सचिवों के डोंगल जमा होने के बाद 3 दिन से किसी ग्राम पंचायत के खाते से धनराशि नहीं निकाली गई है। इससे देहात के विकास की रफ्तार थम गई है। सचिवों का कहना है कि ग्राम पंचायतों की धनराशि खर्च तभी होगी जब उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। 5 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में तैनात 120 सचिवों ने अपने डोंगल जमा कर दिए थे। इसके बाद से ग्राम पंचायत का विकास रुका हुआ है। ग्राम प्रधानों में भी इसे लेकर आक्रोश है। गौरतलब है कि गांव में विकास कराने के नाम पर सचिवों द्वारा करोड़ों का गोलमाल किया गया है और 55 गांवों में हुई जांच में फंसे 48 सचिवों और 6 ADO पंचायत के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। आज मुरादाबाद की MP MLA की विशेष अदालत में कांठ छजलेट समेत 3 केसों की सुनवाई शुरू हुई। कांठ बवाल में आरोपी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक समेत अन्य भाजपाई पेश हुए, जबकि छजलेट बवाल में सांसद विधायक समेत सपाई आरोपी हैं। इस मामले में सपा नेता राजेश यादव, संबल के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खां हाजिर हुए। केस में रामपुर सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला व सपा के कई विधायक आरोपी हैं। मुरादाबाद के विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर सहित 2 कर्मचारियों पर एक महिला से छेड़खानी की FIR दर्ज हुई है। इन 3 कर्मचारियों ने व्यापारी की दुकान में घुसकर चेकिंग के नाम पर व्यापारी की पत्नी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। संबल जिले के रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी का खुद बाजार में शोरूम है। इस व्यापारी की याचिका पर CJM कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने विद्युत विभाग के अवर अभियंता रवि राजन व कर्मचारी ओम प्रकाश वर्मा और संजीव रोहेला के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। हाथियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का काफिला लखीमपुर खीरी से दिल्ली की तरफ जाते समय दोपहर 1 बजे मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर रुका। यहां 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बेमियादी धरना चल रहा है। राकेश टिकैत रुक कर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे क्षेत्रीय किसान नेताओं का हाल जाना और लखीमपुर खीरी की घटना के संबंध में जानकारी दी। कहा कि लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कार से कुचल दिया। इससे किसानों को लेकर भाजपा नेताओं की सोच का अंदाजा लग गया है। किसान इस घटना के बाद भी डरेगा नहीं। सरकार ने मांगे पूरी करने के लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया है। निर्धारित तिथि तक मांगे पूरी नहीं होने पर संघर्ष होगा। करीब आधा घंटा किसानों के बीच रहने के बाद भाकियू नेता दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने भाकियू कार्यकर्ताओं से कहा कि धरना लगातार चलते रहना चाहिए। अभी गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा 12 तारीख तक टाइम है। 12 तारीख को हम अगला निर्णय लेंगे। 12 तारीख तक सरकार के पास बताइए। पूरा देश में आंदोलन होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, रणनीति हम 12 तारीख को बनाएंगे।
राजकीय महाविद्यालय भोजपुर में शुक्रवार को संचारी रोग टीबी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद असलम खान ने की। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजपुर मुरादाबाद के निर्देशानुसार डॉक्टर निसार अली एवं डॉक्टर हरगोविंद आर्या ने टीबी रोग के विषय में विस्तृत जानकारी दी एवं उससे बचाव के उपाय बताए। डॉक्टर निसार अली ने उपस्थित छात्र छात्राओं को टीबी के विभिन्न प्रकार बताए और उसकी गंभीर संक्रामक क्षमता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मुरादाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष खेमपाल सिंह प्रजापति के ब्लॉक कार्यालय वार्ड 44 मुरादाबाद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर ने बताया कि यदि स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चला जाए तो जल्द ही किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज शुक्रवार को जारी बुलेटिन के अनुसार आज जिला अस्पताल में कुल 170 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा आयु के 120 लोगों को टीके की डोज लगाई गई, वहीं 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 50 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महानगर वासियों से बराबर अपील की जा रही है कि तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी लोग जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं ताकि आने वाली संभावित लहर का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।